Hello students, today we will start from the next topic of plant kingdom, that is angiosperm. Next जो आपका क्या है angiosperm. Basically angiosperm आपका complete plant होता है with seed. और seed भी कहाँ है? Fruit के अंदर, ठीक है. और plant क्या bear करते हैं? Flowers, ठीक है. Plant bear करेंगे flower. तो जो आपका स्पोरोफिल होता है, स्पोरोफिल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्लावर. तो ये जैसे स्पोरोफिल है, स्पोरोफाइट में जो प्रेजेंट होता है वही क्या फॉर्म करता है? फ्लावर, ठीक है, फॉर्म करता है. बेसिकली जो आपका एंजियोस्पर्म है वो क्या मोस्ट रिसेंटली एंड हाईली इवोल्व प्लांट होता है. हाईली इवोल्व होता है मीन्स उसमें सब कुछ अलग अलग स्टेज होता है. रूट स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, हाईएस्ट फॉर्म होती है प्लांट्स की, ठीक है. देन उसके बाद बेसिकली जो इसका साइज होता है टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वॉल्शिया टू टॉल ट्री ऑफ यूक्लिप्टस, ठीक है. यूक्लिप्टस सबसे टॉल प्लांट है इसका एंजियोस्पर्म का, ठीक है. कितने मीटर होता है? 100 मीटर लेंथ है इसके यूकलिप्टस की, ठीक है. देन उसके बाद जो आपका बेसिकली डिवाइड होता है ये टू क्लासेस में. टू क्लासेस कौन सी आपकी? डाइकोटिलेडंस एंड मोनोकोटिलेडंस. सेकंड इज मोनोकोटिलेडंस. अब डाइकोटिलेडंस क्या होते हैं और मोनोकोटिलेडंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जैसे आपका डाई होता है टू कोटिलेडंस और इमोनो का वन कोटिलेडन. दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो आपका सीड होता है, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं वीट ड्राई है वो डिवाइड नहीं हो पाता, बट जो आपका ग्राम का सीड होता है वो डिवाइड कर जाता है टू पार्ट में. तो उसमें क्या होता है, वो कैसा है? डाइकोटिलेडन्स है क्योंकि उसमें दो कोटिलेडन्स है और दोनों सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है. बट मोनो कोटिलेडन द सीड विच हैव ओनली सिंगल कोटिलेडन, एक कोटिलेडन ही प्रेजेंट होता है, जैसे कि वीट का एग्जाम्पल लिया और ग्राम आपका डाइकोटिलेडन है, ठीक है. देन उसके बाद द मेल सेक्स ऑर्गेनिज्म इन ए फ्लावर इज द स्टैमन, ठीक है. जो आपका प्लांट ले लेते हैं, ठीक है, फ्लावर ले लेते हैं इसका. फ्लावर में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, मेल सेक्स जो ऑर्गन है किसमें? एंजियोस्पर्म के फ्लावर में, वो होता है आपका स्टैमन, ठीक है. क्या है? स्टैमन, ठीक है. देन उसके बाद ई स्टैमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट जिससे वो अटैच रहता है. एक आपका फिलामेंट होता है, जैसे ये स्टिक है तो इस टाइप का एक फिलामेंट कंटेन करता है कौन? स्टैमन, ठीक है. विद एन एंथर एट द टिप, और टिप पर क्या प्रेजेंट होता है? एंथर. ये आपका क्या है? फिलामेंट. और टिप पर प्रेजेंट होता है एंथर, कंटेन करता है स्टैमन को, ठीक है. देन जो आपका एंथर है वो एंथर मियोसिस करेगा और मियोसिस करने के बाद इसमें चेंज हो जाता है, पोलन ग्रेन फॉर्म करता है, ठीक है. अंदर जो पोल प्रेजेंट होता है उसको हम कहेंगे पोलन ग्रेन. देन उसके बाद जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा फ्लावर, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज कार्पल, या कार्पल कंटेन थ्री पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है. तीन पार्ट कंटेन करेगा कौन? कार्पल, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है. जो आपका ओव्यूल है, ओवरी कहाँ होगा? ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल. विद इन ओव्यूल आर हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट टर्म एम्ब्रियो सैक. और उसके साथ ओव्यूल के अंदर ही आपका क्या फॉर्म्ड होता है? एम्ब्रियो फॉर्म्ड होता है, ठीक है. जैसे ये वाला ओव्यूल के अंदर ही क्या फॉर्म्ड होता है? एम्ब्रियो. ईच एम्ब्रियो सैक हैज थ्री सेल्ड एपरेटस जिसमें आता है आपका एग. जैसे ये आपका एम्ब्रियो का डायग्राम है, ओव्यूल का, सॉरी. तो इसमें क्या है जो आप कंटेन करता है? एक एग सेल कंटेन करता है, बाकी की ये दो सिनर्जिड्स है. ये आपकी एग एपरेटस है और ये क्या है? न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई कंटेन करता है, ठीक है. एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है.
उसके बाद वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल टू फॉर्म ए जाइगोट. यहां पर आपका एक एग सेल फ्यूज होके किसके साथ, मेल के साथ क्या फॉर्म करता है, जाइगोट फॉर्म करता है. ठीक है, जाइगोट फॉर्म करता है. देन उसके बाद और जो अदर गैमेट होता है वो फ्यूज करेगा किसके साथ, डिप्लोइड डिप्लोइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ. जैसे ये दो गैमेट थे ना आपके मेल गैमेटोफाइट में, दो गैमेट थे तो एक तो एग के साथ फ्यूज कर देगा और क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट. और दूसरा फ्यूज करेगा सेकेंडरी सेकेंडरी एंडो वो सॉरी न्यूक्लियस के साथ, जो फॉर्म करेगा आपका पीईएम, ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म. ठीक है, ये फॉर्म करेगा. अब इसमें क्या हो रहा है, डबल फ्यूजन हो रहा है. ठीक है, एक दो बार हुआ है, दो गैमेट से अलग अलग दोनों फ्यूज हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, दो बार फर्टिलाइजेशन अकर हुआ है. किसमें यूनिक फीचर है ये एंजियोस्पर्म का, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन अकर होता है. ठीक है, देन उसके बाद द जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो. ये जायगोट है आपका, ये डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में. ठीक है, विद वन और टू कोटिलेडन, चाहे एक कोटिलेडन के साथ या फिर दो कोटिलेडन के साथ. ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं. ठीक है, और क्या फॉर्म करेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, एंडोस्पर्म फॉर्म करेंगे जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको, एम्ब्रियो को. ठीक है, देन उसके बाद फर्टिलाइज ओव्यूल राइपन इनटू सीड. जो ओव्यूल है, राइप ओव्यूल, फर्टिलाइज ओव्यूल तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड्स में. और जो ओवरी है आपकी वो किसमें कन्वर्ट होगी, फ्रूट में. ठीक है, ओवरी फ्रूट में. एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं किस किस में होता है ये, बनाना में, सीरियल्स, पाम. ठीक है, ये तो आपके क्या है, मोनोकोट्स. और डाइकोट्स में एग्जाम्पल लेंगे हम तो पी, रोज. ठीक है, यूकलिप्टस, मस्टर्ड, ये आपके डाइकोट लिविंग्स है. ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म की. ठीक है, तो ये आपका एंजियोस्पर्म कंप्लीट होता है लाइफ साइकिल के साथ. देन उसके बाद आता है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन. इसका मतलब क्या होता है कि जो प्लांट का ग्रुप होता है, ठीक है, जो प्लांट का ग्रुप होता है बेसिकली जो अपनी कंप्लीट करती है लाइफ साइकिल को, वो किस किस पैटर्न में करती है. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. तो जो आपका पैटर्न है वो आपका फर्स्ट पैटर्न है, देखो, हैप्लोन्टिक. हैप्लोन्टिक इसमें क्या होता है, सिंगल वेजिटेटिव इंडिविजुअल और सोमेटिक फेज होता है. इट इज हैप्लोइड एंड इट उसको हम कहेंगे गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट जो आपकी इसमें हैप्लोइड बॉडी फॉर्म होगी, बेसिकली यूनिसेलुलर होगी, कॉलोनियल होगी और मल्टीसेलुलर होगी. ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये वेजिटेटिवली और बाई एसेसरी स्पोर, जिसको हम बोलते हैं माइटोस्पोर, उसकी वजह से ये क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है. ठीक है, और जो गैमेट्स है वो फ्यूज होंगे और प्रोड्यूस करेंगे डिप्लोइड जाइगोट. ठीक है, डिप्लोइड जाइगोट प्रोड्यूस करेंगे. जो आपकी एप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है वो इस फॉर्म में होगी. ठीक है, ये क्या, यहाँ पर आपका होगा गैमेटोजेनेसिस, ये आपका गैमेटोफाइट है. ठीक है, सिंगैमी यहाँ होगी, सिंगैमी हुई, यहाँ पर जायगोट फॉर्म्ड हुआ डिप्लोइड वाला, यहाँ पर मियोसिस फॉर्म्ड हुई और क्या फॉर्म्ड है, स्पोर्स. ओनली जायगोट आपका कैसा फॉर्म हुआ, इसमें डिप्लोइड फॉर्म हुआ है. ठीक है, तो ये आपकी हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है, उसके बाद आती है डिप्लोन्टिक. ठीक है,
सेकंड इज डिप्लॉन्टिक साइकिल. इसमें क्या होता है, सिंगल सोमेटिक फेज ही होता है, सिंगल सोमेटिक फेज और वेजिटेटिव इंडिविजुअल. ठीक है, इट इज डिप्लॉयड एंड कॉल्ड स्पोरोफाइट. उसको हम गैमेटोफाइट कह रहे थे आप लोग टीम में, और इसको हम कहेंगे स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होगा इसमें. ठीक है, और जो बाकी ऑल सीड बियरिंग प्लांट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इसमें आपके क्या आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म ये दोनों आएंगे डिप्लॉयटिक लाइफ साइकिल करते हैं. ठीक है, डायग्राम आपका होगा. ठीक है, ये आपका स्पोरोफाइट भी सेम होगा. स्पोरोफाइट आपका कैसे बना है, डिप्लॉयड फॉर्म है, वहां पर सिर्फ आपका गैमेटोफाइट, ये डिफरेंस है दोनों में. सिनगामी हुई, यहाँ पर मियोसिस हुई, गैमेटोजेनेसिस हुई. सेम है, सिर्फ स्पोरोफाइट बनेगा वो भी कैसा, डिप्लॉयड. ठीक है, उसके बाद आता है आपका थर्ड, दैट इज थर्ड आएगा डिप्लोहैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है, दिस टाइप ऑफ लाइफ हिस्ट्री इन्वॉल्व द सिक्वेंशियल रिकरेंस ऑफ टू वॉल डेवलप्ड सोमैटिक फेज ऑफ वेजिटेटिव, दैट इज गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट. इसमें आपका दोनों फॉर्म्ड होगा, गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी. ठीक है, दोनों फॉर्म्ड होगा. कैसे फॉर्म्ड होगा देखो, वही सेम ही है, सिनगामी हुई, जाइगोट फॉर्म्ड हुआ, और क्या फॉर्म्ड हुआ, स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हुआ डिप्लॉयड. मियोसिस यहाँ पर अक्कर हुई, मियोसिस होने के बाद क्या बने, स्पोर्स बने. स्पोर्स बनने के बाद गैमेटोफाइट, और जो आपका गैमेटोफाइट था वो तो कैसा था, हैप्लोइड है. ठीक है, गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, तो ये है आपकी लाइफ साइकिल. इसमें दोनों बनेंगे, गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी. ठीक है, सेम है, और जो आपका गैमेटोफाइट है वो तो हैप्लोइड था ही, और स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉयड. तो ये है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें थ्री पैटर्न में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है प्लांट, हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक और डिप्लोहैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है,